आगरा जनपद के ब्लॉक पिनाहट क्षेत्र के अंतर्गत गांव सेहा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर नवनिर्माणाधीन आईसीयू वार्ड की दीवार अचानक गिरने से मजदूर महिला और उसकी बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। तत्काल उन्हें एम्बुलेंस द्वारा इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पूरे मामले में ठेकेदार की लापरवाही देखने को मिली है। आपको बता दें, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेहा पर लोगों के बेहतर इलाज हेतु आईसीयू वार्ड का निर्माण ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है। निर्माणाधीन इमारत में इन दिनों मजदूर कार्य कर रहे हैं। रविवार को मजदूरों द्वारा दीवार की चिनाई की गई, जिसकी सेंट्री ठेकेदार द्वारा मजदूर से हटवा दी गई और दीवार भरभरा कर गिर पड़ी, जिसके सहारे छाया में बैठी मजदूर महिला और उसकी बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में एम्बुलेंस द्वारा अन्य मजदूरों ने महिला और उसकी बच्ची को इलाज के लिए CHC केंद्र पिनाहट में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मां बेटी को बेहतर इलाज हेतु हायर सेंटर आगरा के लिए रेफर कर दिया। अन्य मजदूरों के मुताबिक ठेकेदार की लापरवाही बताई गई है। तत्काल चुनी हुई दीवार की सेंट्री हटवा दी गई, जिसके कारण हादसा हुआ है। नाम क्या तुम्हारा? क्या घटना हुई आपके साथ? हमारे साथ ये हुई कि ताजी दीवार चुनी हुई, तो उसमें छज्जे बने हुए थे जंगले के। ठेकेदार बोला कि इनको निकाल दो, दीवार चुन गई। हमने बोला कि नहीं, ये अभी ताजी दीवार है, गिर सकती है। बोला कि नहीं। क्यों निकलवा रहा था, क्या बात थी? दूसरी साइड में सेंटिंग लगाने की। अच्छा अच्छा, पहले से मतलब समय से पहले निकाल दी उसको? हाँ, तो वो ताजी आज ही की उठी दीवार से, आज ही निकलवा रहा था। तो आज ही हम निकाले, जैसे तो उसके छांव में ये बैठी थी, काम लगने का समय था, बैठी हुई थी, एकदम दीवार और छज्जा नीचे आ। किसकी बिल्डिंग थी वो? सरकारी बिल्डिंग। क्या बन रहा था वो? हॉस्पिटल, आईसीयू रूम बन रहा था। कितने मजदूर होंगे टोटल वहाँ पे? 10। घायल कितने हुए? 2। अभी कहाँ पर घायल? जी आई एम्बुलेंस। प्रातः दर्पण न्यूज़ के लिए आगरा बाहर से नीरज परिहार की रिपोर्ट।